नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Motorola Edge 30 Ultra 5G versus Samsung Galaxy S22 Ultra 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 30 Ultra 5G में 6.37 इंच जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 30 Ultra 5G में 2.89 इंच जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 30 Ultra 5G में 0.33 इंच जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 30 Ultra 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 30 Ultra 5G में 198.5 ग्राम जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 228 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 30 Ultra 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 30 Ultra 5G में PoLED जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में डायनामिक AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 30 Ultra 5G में 20:9 जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 19:3 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 30 Ultra 5G में 6.67 इंचेस जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 30 Ultra 5G में 1080x2400 और Galaxy S22 Ultra 5G में 1440x3088 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 30 Ultra 5G में 90.38% जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 90.28% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 30 Ultra 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 501 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो 30 अल्ट्रा 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy S22 Ultra 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 30 Ultra 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy S22 Ultra 5G की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 730 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 30 Ultra 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 और Galaxy S22 Ultra 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो 30 Ultra 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 12GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 30 Ultra 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB 512GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी 30 Ultra 5G में 4610
mAh जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 30 Ultra 5G में 2 कलर्स जबकि Galaxy S22 Ultra 5G में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 30 Ultra 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 59,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 64,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Galaxy S22 Ultra 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 109,999 रुपीस, 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 99,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Motorola Edge 30 Ultra 5G में 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy S22 Ultra 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy S22 Ultra 5G आगे है, मेन कैमरा में 30 Ultra 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 30 Ultra 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Google Pixel 7 5G है, दूसरा Realme GT Neo 3 5G 150 वॉट है, तीसरा OnePlus 10R 150 वॉट 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Echo 90 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।